सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। अज आपां गल करांगे STC 500 ट्रक ट्रेन बारे। सो सब तो पहला इग्निशन स्विच नूं ऑन करो, पावर ऑन हो जाएगी। गियर न्यूट्रल चेक करो कंपलसरी, फिर सेल्फ करो। सेल्फ करके जो भी है सब कुछ का प्रेशर चेक करो, ठीक चल रहा है। उस तो बाद ये हैंड ब्रेक है, ये हुण हैंड ब्रेक ऑन पे है। ये एसी सिस्टम है, ये रोटिंग लाइट है ऑन हो गई ऑफ, पार्किंग ब्रेक, वाइपर, वॉशर, ये हैंड ब्रेक, हेडलाइट है, पार्किंग है, ये कंट्रोलर है, हुण ऑन हो गया, हुण ऑफ हो गया। उस तो बाद ये PTO बटन है, और ट्रिगर तो लाइट है, वह बटन है, ऑन हो गई, ऑफ हो गई, ऑन दा है, ये प्रेशर ऑन ऑन, ये फोक्स लाइट है, ये इदा क्राउन ते लॉक करने, लॉक हो गए। उस तो बाद ये दा गियर, चार गियर हाई बेच है, चार गियर लो बेच है। हुण ये लो पोजिशन ते है, उपर करोगे हाई हो जाएगा, डाउन करोगे लो रहेगा। लो दे बेच ही इंजन स्टार्ट होएगा। हुण इहनूं तीजे गियर बेच करो, क्लच दबा के, क्लच दबा के रखना है, बटन ऑन करो, क्लच छड्डो, PTO लग गया। PTO ऑफ करन दे लई जदों PTO आपां रिलीज़ करना है, क्लच दबा के गियर न्यूट्रल करो, बटन नीचे कर दो, इहनूं ऑन करके फिर ऑफ करो, क्लच छड्ड दो, PTO निकल गया। हुण ऑपरेटिंग दे लई आपां गियर करके PTO लाता, हैंड ब्रेक दे विच PTO लगेगा, हैंड ब्रेक रिलीज़ होएगी, PTO नहीं लगेगा। ये डिस्प्ले आदि जो पिछे कैमरा लगा हुआ है बैक करन विच हेल्प करता है। सब तो पहला यदा हुक कट दो, हुक कट के किस टाइम तो की होंगे आ, हुक लगी रह जाती है और डैमेज होने का चांस हो जाता। जिथे तुम ट्रेन प्लेस करनी है सब तो पहला जगह वेखो, मिट्टी किदा दी आ, लूज आ कि हार्ड आ, किदा आ, किन्ना लोड आ, किन्ना रेडियस बनता आ। ये ट्रिगर स्विच है, ये मास्टर लीवर आ, इहनूं उपर करोगे, ये दो एक साइड दे आ, इस साइड दे, ये दो उस साइड दे आ, ये फ्रंट वाला आ। उपर करके इसनूं डाउन करोगे ते ओ ट्रिगर बाहर आउणगे, इसनूं ओ लीवर नूं उपर करोगे, ओ ट्रिगर अंदर जाणगे। इहनूं अपनी पोजिशन ते रख दो। हुण ओ ट्रिगर कढ के इहनूं डाउन करो, बटनां नूं, इस लीवर नूं मास्टर नूं डाउन करो, जैक लगने शुरू हो जाणगे। इस लीवर नूं उपर करो, जैक डाउन हो जाणगे। दो इस साइड दे आ, दो उस साइड दे आ। और सब तो जरूरी जिहड़ी गल आ उह इहदा लेवल दित्ता होया आ, कैरियर लेवल पूरा होना चाहिए आ। जो तुसीं वर्किंग करना, काम करना ट्रेन प्लेस करके, जैक लगा के, ऑट ट्रिगर लगा के चारों तरफ एक बार फेरा मारो कि ऑट ट्रिगर ठीक लगे हुए आ। ऑट ट्रिगर ठीक होने तो बाद उपर ऑपरेटिंग कैबिन विच इग्निशन स्विच आ, ऑन करो। इहनूं ऑन करन तो बाद डिस्प्ले ते अपने आप 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद ऑन हो जाएगी। ये दा क्रेन फंक्शन स्विच आ, हुण ऑफ आ, हुण कोई फंक्शन नहीं चलेगा, इहनूं इत्थे रखना। ये दा इंजन पावर ऑफ आ, बाईपास स्विच आ, डिस्प्ले ऑन हो गई, F8 बटन प्रेस करो, उपर आ गया। उस तो बाद जो ये स्विच आ, ये टैली दा आ, इहनूं ऑन करोगे इस पोजिशन ते, 3 टैलियां निकलनगियां लास्ट वालियां। इस ते करोगे एक टैली जो मेन वाली आ, वह एक्सटेंड होएगी। ये विंच वाला आ, विंच स्पीड हो गई हाई स्पीड ते, ये लोअर ते, इहनूं तुसीं लोअर ते रखना, वो ज़्यादा बैटर आ। ये हाइड्रोलिक कूलिंग फैन आ,
जो ये वाइपर है वाशर है सब कुछ उपर दिता हुआ है। ये बाईपास भी बाईपास और ये भी बाईपास इस टाइम तो इस काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन वर्किंग नहीं होएगी, उसलिए फिर सानू इस यूज़ कर सकते हो। उस तो बाद हुक चेंज करने वास्ते हुण मेन नुक्ते चार फॉल चल रहे हैं, हुक चेंज करने तुसीं इस बटन प्रेस करोगे लोड मेन हुक आ गई, एग्जिलरी हुक करने वास्ते एफ 3 नूं प्रेस करोगे एग्जिलरी हुक आ गई, ओके करोगे एफ 8 तो ओके हो गया एग्जिलरी विंच का निशान आ जाएगा। हुण इहदे फॉल घट करन लई एक फॉल करना है, एक फॉल तुसीं इत्थे भी करना है, एक फॉल हुक दे विच तां होएगा ही, ये नहीं कि तुसीं मेन हुक दे विच एक फॉल करके चलाओ वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लोड सही नहीं आएगा, उपर इहदा शो नहीं होएगा तो डैमेज होने का भी खतरा होंदा आ। उस तो बाद मेन हुक करन वास्ते एफ 2 ये जीरो एंगल जेब आ गई, एफ 2 तो प्रेस करो 15 एंगल आ गई, एफ 2 प्रेस करो 30 एंगल आ गई, एफ 2 प्रेस करो 0 एंगल आ गई, एफ 2 प्रेस करो 15, इस तो ही तुहानू मेन हुक आ गई। हुण मेन हुक आ गई, मेन हुक ते चार फॉल भरे तो चार करो, जे तुसीं उहदे ते मेन हुक ते सॉरी जे तुसीं मेन हुक ते 8 भरे आ तां 8 करो, एक्चुअली हुण अपनी चार हुक ते चार फॉल ते चल रही है, इहनूं आपां चार फॉल सैट कर देने आ। चार फॉल सैट हो गया ते उपर इहदा लोड आ गया जो सही लोड है इहदा, इस जगह तो हुण 13 टन लोड लिफ्ट कर सकते हैं मैक्सीमम, ये एक्चुअली वेट है जिन्ना लिफ्ट करेगी क्रेन, ये परसेंटेज है इहदी बूम लेंथ हाइट और रेडियस एंगल। उस तो बाद लीवर है वो अगे प्रेशर गेज दिते हुए आ, ये हॉर्न है इधर साइड पर एक्सीलेट आ। उस तो बाद ये जो लोड लोड चार्ट उपर तुम देख रहे हो, जो लोड के उपर तुम दिता है चार्ट के उपर का बूम उस हिसाब न ही बूम तुम एक्सटेंड करो, ये नहीं कि इतने 19 मीटर 19.38 मैं चलो तुम लगा एग्जाम्पल तो 25 टन लोड आप लिफ्ट करना 25 टन 700 ये ओवर साइड तो रीयर साइड का आ, ओवर लोड आए दोवें साइड का लिफ्ट आ, एक ओवर साइड का एक रीयर साइड का, तो 19.38 मीटर बूम किया, ये नहीं कि तुम इतने 27 मीटर लोड करो 27 मीटर बूम एक्सटेंड करो जां उस तो घट 15 मीटर इदा भी घट तो नहीं चलेगा वादते आप पर फिर भी जो उस पर दिता हुआ उस हिसाब न अपना बूम एक्सटेंड करो वो ज़्यादा बैटर रहेगा, उससे पता चलता कि ऑपरेटर का की एक्सपीरियंस है इन्हें कितने काम किया भी है कि नहीं किया, जो परसेंटेज दी हुई है बूम की हुक फॉल दिते हुए थले इन्ने फॉल से लोड लिफ्ट होएगा, इन्ने फॉल से 8 से लोड लिफ्ट होएगा, सब दिता हुआ थले ये जेब का दिता हुआ है ओवर साइड का रियर साइड का दोवों का ही एंगल मेन बूम का एंगल 78 सब तो डाउन 56 लास्ट बस 56 तो डाउन नहीं करना जो लोड चार्ट भी दिता हुआ है, बाकी ग्राफ दिता हुआ है 43 मीटर का हाइड्रोलिक बूम है टेलीस्कोपिक जो है, उस तो अगे जो जेब लगाओगे तो वो होएगी 35 मीटर का रेडियस दिता हुआ है सब कुछ तुम उपर लिखा है 38 मीटर एंगल एंगल से इना यह बनेगा 30 मीटर। सब तो जरूरी गल्लां याद रखने वाली अपना जदों भी क्रेन प्लेस करनी है रेडियस देखो वो दे चारों तरफ एक बार आउटरीगर लगा के तुसीं फेरा मारो भी प्रॉपर लगे आउटरीगर, कोई आउटरीगर मतलब फ्री तो नहीं आ, कोई आउटरीगर का पैड जो आ वो टेढ़ा तन लगा होया बिल्कुल प्रॉपरली सही ज सही लगे होने चाहिए आ, तो एक्सपीरियंस का पता चलता ऑपरेटर के का भाई ऑपरेटर की करते हैं आउटरीगर लाते सीधा बिच कैबन दे बहिंदे आ क्रेन लिफ्ट बूम अप करते हैं उन्होंने कई तरह की चीज़ें डैमेज हो जाए मतलब फिर कई परेशानी तो ऑपरेटर सामना करना पैंता है। अपनी चैकलिस्ट डेली भरो, चैकलिस्ट तुहानू कंपनी दिंदी आ चैकलिस्ट डेली भरो,
हर चीज़ चैक करो क्रेन की, जो भी तुसी क्रेन पर आना आ उसका इंजन चैक करो, फैन बेल्ट चैक करो, जिस हिसाब नाल तुसी काम करना है उस हिसाब नाल अपना क्रेन प्लेस करो। बाकी अगे जो महाराज करेगा ठीक करेगा। बाकी ये लाइटर स्विच, लाइटर इतों तुसी उपरों भी तुसी इंजन स्टार्ट कर सकते हो। हुण आपां इतों इंजन ऑफ करता, इंजन ऑफ हो गया, हुण इतों आपां स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट इंजन हो गया। बाकी 50 टन तो 75 टन तक इहदा SLI दा यही रहेगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तुसी सेफली काम करो, सब तो वधिया आ। रोड रेडियस अपना जो लोड चार्ट के हिसाब नाल वर्क करो, सब तो बैटर रहेगा। वो बाईपास उत्थे करो जिथे तुहानू लगता भी काम हो जाएगा, खतरा नहीं ज़्यादा होएगा। बाईपास उत्थे ना करो कि जिथे क्रेन डैमेज हो जाए। बाकी ये स्विचों बारे तुहानू पता लग ही गया होएगा कि किस चीज़ के है। लीवर तो उपर लिखा होएगा जी, कहदा कहदा लीवर आ, बूम अप डाउन का आ, टैलीस्कोपिक का आ, स्विंग का आ। और दूसरी चीज़, किसी टाइम पर जो लिफ्ट किया हों लोड तो अपनी जो क्रेन पोजिशन आ बूम की टेढ़ी होंगी थोड़ी जी, जी इस बटन पर प्रेस करोगे, प्रेस कर छोगे तो अपने आप वह जो है लोड का तो बूम का हुक का सेंटर हो जाएगा। इस बटन प्रेस करके सेंटर हो जाएगा वह स्विंग का, मतलब ये स्विंग लॉक एक हिसाब का अप टू ऑटोमैटिकल रिलीज हो जाएगी, तो सेंटर हो जाएगा वह। ये पिछे का एयर कंडीशनर दिता हुआ है, सब कुछ उधर पिछे मिरर लगा हुआ है विंच देखने वास्ते, उसके वाल खास कर ध्यान रखो। इस टाइम तो की होंगे आ, फास्ट काम करते हैं पिछे रोप डैमेज होने का खतरा आ, रोप ड्रम तो उतर ही सकती है, ये खास ध्यान रखो यदा। बाकी विंड स्पीड जो भी है सब कुछ चेक करो, यदा जो ये F7 बटन आ इतों यदा साउंड क्लोज हो जाएगा। स्टार्ट करके ऑन करके F8 बटन प्रेस करना है, उस तो बाद साउंड आ रहा उन्होंने ऑफ कर दो। बूम अप करो, अप डाउन करो, अपना वर्किंगली तैयार रेडी होने करके, ठीक।